हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग फॉर्म हैंडलिंग देखेंगे। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द फॉर्म्स विद इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट थ्रू द फॉर्म ऑब्जेक्ट नॉन एज एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट। यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं फॉर्म से रिलेटेड, वो सारी की सारी होती हैं एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास। इन द डॉम विच इज अ चाइल्ड ऑफ द डोम सॉरी विच इज दी विच इज अ चाइल्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के नीचे होता है एच टी एम एल फॉर्म एलिमेंट। अगर आपको ये ट्री याद होगा, मैंने डोम में आप लोगों को एक ट्री बताया था, होपफुली आप लोगों को याद होगा। इसमें होता है डॉक्यूमेंट के नीचे होता है आपका एच टी एम एल पैराग्राफ एलिमेंट, एच टी एम एल हेडिंग एलिमेंट, इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उसके नीचे एक ये एलिमेंट भी होता है, ये ऑब्जेक्ट भी होता है, जिसे कहते हैं एच टी एम एल फॉर्म एलिमेंट, जो कि फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें अपने पास रखता है। और इस चीज़ के थ्रू आप फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लीजिए, मैं डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ नाम देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट कैर सेट, आई गेस इसमें डैश नहीं होता, पता नहीं, इसको मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि इसको एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा मेरे एच टी एम एल वाले प्ले लिस्ट में। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, इसके लिए एच टी एम एल का फॉर्म कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। HTML का फॉर्म कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर आप भूल गए या फिर आपने पढ़ा नहीं, तो मेरे HTML वाले प्लेलिस्ट में जाइए, फॉर्म कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़िए। वहाँ एक एक एट्रीब्यूट के बारे में, ये जो प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, वहाँ एट्रीब्यूट कहा जाता है उसे, के बारे में एक एक करके जानकारी दी गई है डिटेल में। तो हम लोग ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसके बारे में यहाँ जानकारी नहीं करेंगे, सिर्फ इसको एक्सेस करना सीखेंगे, ओके। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक देखिए ये सारी, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक ये सारी, और ये दो इवेंट्स आपको मिलते हैं जिसमें कि इससे क्या फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं, लाइक ऑन रीसेट से रीसेट हो जाएगा, ऑन सबमिट से सबमिट हो जाएगा, और ये मेथड्स हैं तीन, चेक वैलिडिटी, रीसेट और सबमिट। ऑन रीसेट से जो काम होता है वही आप इस मेथड से काम कर सकते हैं, रीसेट मेथड से। जो काम ऑन सबमिट से होता है वही आप इस सबमिट मेथड से कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि फॉर्म को कैसे एक्सेस करते हैं। फॉर्म को एक्सेस करेंगे तभी आप उसके मेथड को यूज़ कर सकते हैं, तभी उसके आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो था इंट्रोडक्शन फॉर्म हैंडलिंग का। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे फॉर्म को एक्सेस किया जा सकता है इन फॉर्म हैंडलिंग। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।